नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जैन की जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा है, इसकी ख्याति ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों में भी इसकी ख्याति फैल चुकी है। और कई राज्यों से, मध्य प्रदेश के जो लगे हुए राज्य हैं, इसके अलावा भी अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक पेशेंट आज हमारे साथ हैं जी। नमस्कार सर, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकल जी, आपका शुभ नाम? रमेश चंद। रमेश अंकल जी, कहाँ से आए हैं? मैं बुरहानपुर से आया हूँ। हाँ, मेरा बेटा रहता है। अच्छा, बुरहानपुर के हैं प्रॉपर, लेकिन आपके बेटे यहीं रहते हैं। क्या समस्या हो गई अंकल जी आपको? मुझे समस्या ये है कि मेरे को पहले हॉर्निया भी था और प्रोस्टेट था जी। और प्लस जब सोनोग्राफी कराई थी तो उसमें गॉल ब्लैडर में पथरी भी आई थी। अरे, तो ये दो ऑपरेशन करा लिए थे मैंने। हाँ। और गॉल ब्लैडर पूरा निकालने की बात थी, तो इसको मैंने पोस्टपोन किया था जी। कुछ दिन हुए, मैंने पेपर देखे परसों नर्सों का, तो उसमें मुझे दिखा था कि एक महीने में पथरी निकल जाती है होम्योपैथी से, तो वो पढ़ करके मैं आया जी। अभी आप पथरी के लिए आए, बाकी तो आप सर्जरी जैसे करवा चुके हैं। हाँ, पथरी के लिए आया मैं। हाँ। तो मुझे प्रॉब्लम ये पेट फूल गया, साइड दर्द करता है, वो दर्द करता है। अभी ये जो आपको ये समस्या थी, कितने समय से थी? बस ये पेट फूलना और ये साइड की जो है, ये तो अभी महीने भर के पहले की बात। महीने भर? और उसके पहले जो आपको? उसके पहले थी तो वही थोड़ी बहुत एसिडिटी वगैरह हो जाती थी बस, बाकी तो कुछ। बाकी कोई इसके लिए कोई इलाज करवाया था आपने? इसका तो कोई इलाज नहीं, मालूम ही पड़ी है। 2021 में जब करवाया था हमारे ऑपरेशन, उस समय मालूम पड़ी थी कि गवर्नमेंट में पथरी है जी। तो उसी समय निकालने का भी बोल दिया था हमने। पर मैंने उसको पोस्टपोन किया, उनका पूरा अंग निकल रहा है, सोचेंगे पहले उसके बाद देखेंगे जी। जी, तो मतलब अभी मुझे पता चला वो पेपर देखने से। हाँ। तो मैं वो देख के आया। अभी हम न्यूज पेपर देख के आए सर। हाँ, कल परसों के पेपर था जी। जी, वो मैंने देखा था उसमें। अभी जैसे पहली बार आए हैं आप, सर से पहली बार मिले हैं, कैसा लग रहा है सर से मिलने के बाद? नहीं, अच्छा लग रहा है। वैसे उन्होंने थोड़ा सा होम्योपैथी को मॉडर्न बनाया हुआ है जी। ये बात उन्होंने बताई। तो उन्होंने जो डोज पहले देते थे वो लंबे समय के लिए होते थे, 20-20 साल के लिए हुआ करते थे, अपने को जल्दी करने के लिए हैवी डोज जी। आपको हैवी डोज दिया है ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए, और गॉड ब्लैडर में जो आपको पथरी है वो निकल जाए, आपको गॉड ब्लैडर ही निकालने की जरूरत ना पड़े। यही बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जैसा सर ने बोला कि आपके गॉड ब्लैडर को निकालने की जरूरत ना पड़े, और पथरी जो है वो अपने आप ही निकल जाए, उसमें आपको कोई ज्यादा समस्या भी ना आए। और अभी जो आपको उसके जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे एसिडिटी हो गया, आपका पेट फूल रहा है, पैर पे आपको दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। और जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद जब आप यहाँ पे आखिरी बार आएंगे सर से मिलने और उनसे बातचीत करने, तब हम भी आपसे बातचीत करेंगे, आपका अनुभव जानेंगे, सर के साथ जैसा आपका अनुभव रहा है, सर के दवाइयों के साथ जैसा आपका अनुभव रहा है, उसके बारे में उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो दिन भगवान जल्दी से लेके आए, ताकि हम आपको एकदम स्वस्थ और खुशहाल जीवन यापन करते हुए देखें और आपका अनुभव भी जानें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर इतना विश्वास करने के लिए और उसे अपनाने के लिए। साथ ही शुभकामनाएं कि आप हमेशा एक खुशहाल जीवन और स्वस्थ जीवन यापन करें। धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं आपकी सोच के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।